जय हिंद दोस्तों। कल एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बता दिए थे, 3 तक। आज एक्सरसाइज 6.1 ही है लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में साबित करना है। पहले नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो cos 3π/4 प्लस x और माइनस cos 3π/4 माइनस x बराबर माइनस में √2 × sin x, इतना प्रूफ करना। देखो कैसे बनेगा। यहाँ आपको cos a प्लस बी और cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। cos a प्लस बी के फॉर्मूला होता है cos a, cos a मतलब cos 3π/4 इंटू cos b यानी cos x माइनस में sin a यानी sin 3π/4 इंटू साइन बी यानी साइन एक्स। हो सके तो इसको ब्रैकेट में इस तरह से घेर दो, माइनस। इधर देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, और अगर यहाँ माइनस है तो बीच में, अब रिजाइट से बात है कि प्लस होगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए यानी कि 3π/4 इंटू साइन बी, साइन बी मतलब साइन एक्स, और उधर तो जो है सो है ये, हमें ले चले के चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक बार देख लेते हैं, विजिबिलिटी दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, सही है। यहाँ cos 3π/4 के मान बताना होता है, और नहीं समझ में आए तो एंगल में कन्वर्ट कर दो। कॉस और पाई बटा फोर, मतलब पाई बाई फोर अगर है तो 45 डिग्री, और 3 से गुना करोगे तो 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री है अगर समझ सकते हैं तो। वहीं पे चाहे तो बदल देते लेकिन हम एक लाइन बढ़ा दिए, और ये साइन 135 डिग्री है, और यहाँ साइन एक्स है माइनस। फिर यहाँ भी वही बात है कि cos 135 डिग्री माइनस cos x, फिर प्लस में sin 135 डिग्री sin x, यानी आपको दो बार cos 135 cos 135 के मान बैठाना होगा। तो क्यों ना हम इधर निकालिए ले पहले cos 135 के मान, समझो इधर cos 135 डिग्री को हम लोग cos 135 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45, और cos 90 प्लस 45 बदला जाता है sin 45, और sin 45 के मान जानते हैं कि 1/√2। लेकिन क्यों बोल रहे हैं लेकिन, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का मान माइनस होगा, इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि जहाँ cos 135 है ऑफकोर्स आप 1/√2 रखिए लेकिन माइनस में। उसी तरह से sin 135 जरा चेक कर लेते हैं कितना, sin 135 को लिखेंगे sin 90 प्लस 45, और sin 90 बदला जाता है cos 45, और 1/√2 और ही होगा प्लस में। तो cos 135 का मान और sin 135 का मान, दोनों का मान सेम होता है। जो cos 135 का मान है वही sin 135 का मान है, लेकिन 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 से ज़्यादा है। ध्यान से समझिए, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो 90 से ज़्यादा है, और 180 है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 90 से ज़्यादा है सर, 90 प्लस है, या तो 180 माइनस बोल सकते हो। जैसे इसको कह सकते हो 180 से ज़्यादा है सर, या तो 270 से कम बोल सकते हो। जैसे इसको बोलते हैं 270 प्लस थीटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग 360 माइनस थीटा। इसको एक चीज़ और बोलते हैं 0 से भी कम, मतलब माइनस में थीटा, और इसको बोला जाता है 360
प्लस थीटा, या इसी को बोला जाता है 90 माइनस थीटा। ये सब चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं, ये सब चीज़ जो है। अब यहाँ आप लोग कहते हैं ऑल, यहाँ कहते हैं साइन, यहाँ टैन, यहाँ कॉस, मतलब इसमें तो खैर सब पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 प्लस यदि 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उसमें सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है। यही वजह है कि साइन का मान प्लस, लेकिन कॉस का मान माइनस। एक बटा रूट दो, कॉस एक्स रहने दो, माइनस साइन 135 के मान एक बटा रूट दो साइन एक्स, माइनस अंदर भेजो। ध्यान रहे कॉस 135 का मान जो आप सोच रहे थे कि एक बटा रूट दो माइनस में, प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि जब माइनस गया और इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस अगर यहाँ भेजेगा तो माइनस साइन 135 एक बटा रूट दो, इसके वजह से माइनस हो गया और इंटू साइन एक्स। देखो यहाँ पे 1/√2 कॉस एक्स माइनस में और यहाँ पर प्लस पे, दोनों कैंसिल। फिर जो आप यहाँ देख रहे हैं वही चीज़ वहाँ देख रहे हैं, कह सकते हैं दो गो हमको नज़र आ गया सर कि 1/√2 और साइन एक्स है, दो गो है, भले माइनस में लगा दो, रूट दो से कैंसिल। कितना बार में? रूट दो बार में है, माइनस में ही, माइनस में रूट दो साइन एक्स। आपको साबित क्या करना था जरा देखिए, यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। चौथा के पहला नंबर इतना ही प्रूफ करना था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा के दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इसी तरह से वो भी है, कॉस पाई बाय 4+x। जहाँ तक हम ही कह सकते हैं कि चौथा के जो पहला था उससे भी ज़्यादा हल्का ही वाला है, चौथा के दूसरा उसमें तो 3π/4 था, यहाँ डायरेक्ट π/4 है, प्लस में कॉस π/4 माइनस एक्स बराबर रूट दो इंटू कॉस एक्स। चलो लेफ्ट हैंड साइड LHS, पहले इसको तोड़ते हैं, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला, कॉस ए यानी π/4 इंटू कॉस बी यानी कॉस एक्स और माइनस साइन ए यानी साइन π/4 इंटू साइन एक्स। यहाँ समझो थोड़ा सा, बीच में प्लस के चिन्ह है, तो अगर प्लस को हम अंदर भेज भी देते हैं तो चिन्ह नहीं बदलाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता है ना तो भले कहते कि अंदर जाके चिन्ह बदल देगा, लेकिन ये प्लस है तो अंदर जाके चिन्ह उन्हा नहीं बदलेगा। तो अगर चिन्ह नहीं बदलेगा तो ऐसे ही रहे दो, कॉस ए, कॉस ए मतलब कॉस π/4 इंटू कॉस बी यानी कि कॉस एक्स, और बीच में माइनस है तो हम यहाँ प्लस दे देंगे, प्लस साइन इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए, साइन ए मतलब π/4 इंटू साइन बी यानी कि साइन एक्स। अब ऐसे तो ये वाला माइनस ये वाला प्लस से डायरेक्ट कट गया, दोनों हु बहु एक जैसा था, सिर्फ यहाँ माइनस में वहाँ प्लस में, तो डायरेक्ट काट दी। और कॉस π/4 के मान हो जाता है 1/√2 इंटू कॉस एक्स, वहाँ भी 1/√2 और इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ वाला टर्म, यहाँ वाला
टर्म दोनों एक ही जैसन है तो बोलो ना कि दू गो नजर आ रहा है एक ही जैसन, वन बाय रूट टू इंटू कॉस एक्स, रूट दू से कैंसिल, रूट दू बार में तो रूट दू हो गया और इंटू कॉस एक्स, दैट्स यही प्रूफ करना था। देख लीजिए आपको साबित यही करना था, रूट टू कॉस एक्स हो गया प्रूफ। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स बराबर साइन टू एक्स इंटू साइन टेन एक्स। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, LHS RHS दोनों तरफ से, आप दोनों में से जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे अगर RHS से बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, मतलब आपको फॉर्मूला नहीं साबित करना होगा या कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब हम डायरेक्ट बता देंगे आपको। अगर RHS से देखते हैं, देखिए पहले RHS फिर LHS ट्राई करेंगे, पहले RHS से ही ट्राई करते हैं। RHS क्या है, साइन 2x इंटू क्या है साइन 10x, पहले RHS ही लेके चलते हैं। आप साइन 2x को लिख सकते हैं साइन 6x माइनस 4x, और 10 को लिख सकते हैं साइन 6x प्लस 4x। आपके सवाल मतलब मन में सवाल उठेगा कि आपको कैसे पता चला कि 6x और 4x ही होगा। यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं आपको कैसे समझ में आया कि 6x माइनस 4x ही लिखना है, हमको तो 2 लिखना है, हम 5 में से 3 घटा सकते थे, हम 10 में से 8 घटा सकते थे, हम 22 में से 20 घटा सकते थे, आपको 6 और 4 ही क्यों समझ में आया। तो अगर आप सामने होते ना तो कहते YouTube पे क्या बोले, YouTube पे बोलना भी चाहेंगे नहीं बोलेंगे, सामने होते तो बोलते कि यहाँ देखने यार, यहाँ थोड़ा तमीज़ से बोलेंगे भाव कि 6 और 4 है, इधर दिखाई दे रहा है, इसीलिए बस वही कारण है कि 10 को भी हम वैसे ही तोड़े। और नहीं समझ में आवे तो बस 5 मिनट रुको, हम बताते हैं एक और तरीका। अब इसको तोड़े, ए प्लस बी, ए मतलब साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस ए मतलब कॉस सिक्स एक्स इंटू कॉस बी कॉस फोर एक्स, इसको ऐसे घेर के लिख दिए। इधर वाला देखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, अब दोनों तरफ ये कहीं जैसन है ए बी ए बी, तो हम कहेंगे कि ए स्क्वायर साइन सिक्स एक्स इंटू कॉस फोर एक्स के स्क्वायर माइनस कॉस सिक्स एक्स, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, साइन होगा कॉस सिक्स एक्स इंटू साइन फोर एक्स के होल स्क्वायर, ई स्क्वायर इस पर भी होगा साइन स्क्वायर सिक्स एक्स, होने के तो स्क्वायर कॉस पे भी होगा, लेकिन हम क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर जो आप सोच रहे हैं उसको हम लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स, ऐसा क्यों लिखे काहे लिखे आप कारण बताइए। अरे यार आप RHS लेके चले हो और LHS में जो प्रूफ करना है वहाँ कहीं भी आपको कॉस ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है, कॉस जैसा टर्म जब नहीं दिखाई दे रहा तो बदलो उसको, माइनस कॉस टू द पावर सिक्स इसको बदलिए, जैसे कॉस स्क्वायर लिखोगे ना तो इसको लिखो वन माइनस साइन स्क्वायर सिक्स एक्स, ठीक है, और इधर हो गया साइन स्क्वायर फोर एक्स, सब गुना कीजिए
यहाँ से साइन स्क्वायर सिक्स एक्स एक में गुना कर दिए तो साइन स्क्वायर सिक्स एक्स, जब यही साइन स्क्वायर सिक्स इसमें गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर फोर एक्स, फिर वहाँ से गुना कीजिए तो माइनस में साइन स्क्वायर फोर एक्स, और ये माइनस है वो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर सिक्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर फोर एक्स। ध्यान से देखो ये प्लस में माइनस में, तो बचा कौन चीज साइन स्क्वायर सिक्स एक्स यहाँ से और माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स। देखो एल एच एस यही था तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। समझा ब्रो? ये एक तरीका है, एक तरीका और हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला साबित करना होगा। जरा उस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं, ये समझ गए तो अच्छा बात है, नहीं समझे तो देखो फॉर्मूला जो हम साबित करने वाले हैं। अगर कभी ऐसा दे दिया जाए आपसे कि कहे साइन ए प्लस बी है और गुना करने के लिए बोल दे कि साइन ए माइनस बी है इसको गुना करो, तो सोचो सोचो क्या, आपको तो मालूम है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला जो देख रहे हैं ना, ये साइन ए प्लस बी के फार्मूला डॉट साइन ए माइनस बी के फार्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। जो टर्म इधर देख रहे हो वही वाला उधर है, सिर्फ अंतर यहाँ के जहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस है। तो पहले ए स्क्वायर यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस ए इंटू साइन बी के होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर दोनों पे भेजो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर भी होगा, लेकिन हम इसको साइन में बदल देते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर बी इस तरह से बदलती है। माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा लेकिन हम इसको यहीं पे बदल दिए हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर तो खैर साइन स्क्वायर बी जैसे है ना वैसे रहने दिए। अब साइन स्क्वायर ए एक में गुना अगर कर भी दें तो एक में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस, यही वाला साइन स्क्वायर ए जब यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ समझो माइनस और उधर से साइन स्क्वायर बी आया, यहाँ से माइनस वहाँ से साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर बी यहाँ से माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए तो पहले से था और ये गुना हो गया साइन स्क्वायर बी। देखो ई टर्म है प्लस में, ई वाला टर्म है माइनस में, कट गया तो बचा क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आज से और अभी से एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब भी आपसे कोई पूछे कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अगर गुना कर दिया जाए तो क्या होता है, तो फॉर्मूला रट लो कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये होता है, या तो अभी पूरा नहीं हुआ है ये तो होता ही है, इसको तोड़ेंगे और आगे कभी ज़रूरत पड़ेगा तो देखो क्या होता है, यही चीज़ इसी को तोड़ते हैं। हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते थे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते थे, लिख दिए माइनस, वैसे ही साइन स्क्वायर बी को लिख सकते थे वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब जरा ध्यान से समझ कि वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस अंदर भेजो तो माइनस वन और वो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, माइनस वन प्लस वन कट गया तो बचा कौन चीज कॉस स्क्वायर बी और माइनस में कॉस स्क्वायर ए। मतलब आज से और अभी से आप दो फार्मूला याद कीजिए कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के दो फार्मूला होता है। हम हट जाते हैं 10 सेकंड के लिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि दोनों फार्मूले का जब हमको जो मन करेगा हम वो इस्तेमाल कर लेंगे।
उस समय के साथ जो यूज करना होगा हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। आप एक बार देख लीजिए कि दोनों फॉर्मूला है क्या। हो गया, इतना टाइम काफ़ी। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इस सबको हम मिटा देते हैं और जो सिर्फ फोकस करना है उस पर रहने देते हैं आपका ध्यान। देखिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अगर गुना होता है तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ध्यान इतना रखना है कि अगर हम साइन स्क्वायर लेके चल रहे हैं तो पहले ए होगा साइन स्क्वायर ए या बाद में होगा साइन स्क्वायर बी, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर लेके चल रहे हैं तो पहले कॉस स्क्वायर बी और बाद में होगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे ध्यान देना, साइन के टर्म में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन अगर कॉस लिखेंगे तो पहले कॉस स्क्वायर बी और माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ध्यान रखना है, फॉर्मूला ये भी सही है, फॉर्मूला ये भी सही है। समय समय पर जो इस्तेमाल करना होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं। आप ये तो समझ गए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब लिख सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और गुने में साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और गुना कर दो साइन ए माइनस बी। तो उसी हिसाब से अगर साइन स्क्वायर ए नहीं रहे छः एक्स रहे और साइन स्क्वायर बी नहीं रहे साइन स्क्वायर फोर एक्स रहे, तो आप कह सकते हो ना कि साइन ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ ए था बी था, इस जगह पे तो छः है, तो छः एक्स प्लस में फोर एक्स इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब छः एक्स माइनस में चार एक्स। देखो साइन सिक्स और फोर दोनों को जोड़ दो तो टेन एक्स, और यहाँ माइनस कर दो साइन टू एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि आपको साबित क्या करना था, यहाँ देखिए यही तो प्रूफ करना था, हो गया। चौथा में तीन क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन हो गया प्रूफ। देखो हम चाहें तो पाँचवा क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन हम टाइम वाइम नहीं देख रहे हैं कि कितना देर हम आपको पढ़ाए हैं, बस ये देख रहे हैं कि एक वीडियो एक टाइप कहानी ख़त्म। इसके बाद जब नेक्स्ट आएगा उसमें देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत देर में नहीं मिलेगा आपको, जैसे ही ये क्लास ख़त्म होता है और जस्ट इसके पीछे वो प्रीमियर चालू रहेगा उसको देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।